यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 एंड सेशन नंबर 2, आर यू रेडी फॉर एक्सरसाइज 9.1? आई थिंक यू हैव ऑलरेडी ट्राइड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.1. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस of exercise 9.1, and then we further study, and I think we will do today only the exercise 9.2 also. Okay, so we should start now. First, list 5 rational numbers between. बहुत common question है, दो digit दे दिए, उनमें बोलो कि ये rational number निकालो. हमने यहां सीखा था इस जगह, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले एग्जाम्पल में हमने समझा था. ठीक है, तो अपन सारे क्वेश्चन वन बाय वन कर रहे हैं. फर्स्ट वी आर ट्राइंग -1 एंड 0. रेडी? यस. -1 एंड 0, वी हैव टू फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स. क्या कर सकते हैं, ऐसा करें, सबसे पहले इसको 0/5 लिख दें. इसको अपन 5/5 लिख सकते हैं क्या? लिख तो सकते हैं. इस केस में यहाँ कौन कौन से नंबर आएंगे बीच में? एक तो आएगा -4/5, -3/5, -2/5, -1/5. 4 अपने आ गए रेशनल नंबर, लेकिन पूछा तो 5 है. तो 5 रेशनल नंबर लाने के लिए क्या किया मैंने? मैंने इसको किया -1 को इसको 10 से मल्टीप्लाई, ये बन गया -10/10, ये बन गया 0/10. ठीक है ना, -10/10 1 ही तो है. तो मैंने लिख दिया -9/10, 8, 7, 6, 5, और लिखते जाइए, 4/10, -3/10, -2/10, -1/10. इतने सारे रेशनल नंबर आ गए. एनी 5 वी कैन राइट. सिंपल, वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 2, -2 एंड -1, वही काम करो. -2 को वही मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया -20/10, ये हो गया 10/10. लिख दो, अब तो बहुत इजी है. ये -19, 18, 17, 16, 15 और लिख सकते हो, -14/10, -13/10, -12/10, -11/10. सिंपल. कम क्वेश्चन नंबर 3, कम विद क्वेश्चन नंबर 3. अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने को डिनोमिनेटर को सेम करना है. करो, ये मैंने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, ये 5/3 ये आ गया, तो इसको मैंने 15 बना दिया, तो ये हो गया 12/15, ये हो गया 10/15. तो अब तो बीच में तो एक ही आ रहा है, -11/15. तो अपने को तो 5 चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया -24/30, ये बन गया -20/30. अभी भी 3 ही है, 23, 22, 21. अगेन आई मल्टीप्लाइड बाय दिस 3, नाउ आई मेड इट 36/45, एंड आई मेड इट -30/45. नाउ आई कैन राइट द क्वेश्चन आंसर लाइक -35, -34/45, -33, -32, -31. सो आई गॉट द 5 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन. ओके, अब कुछ मजा आ रहा है. यू डू ऑल द क्वेश्चंस, यू डू ऑल द क्वेश्चंस, ट्राई. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 एंड 2/3. -1/2, ओके, एंड 2/3. मेक इट 6, ये बना दिया 6, ये हो गया -3/6, ये हो गया
माइन 4 by 6 फिर वेरी सिंपल, इधर पॉजिटिव इधर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, आराम से 2 by 6 1 by 6 0, 1 by 6 2 by 6 3 by 6। सो यू कैन राइट इसको 2 by 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 by 6 को ऐसे भी लिख सकते हो और 2 by 6 को भी ऐसे लिख सकते हो। सो द फाइनल आंसर मे बी दिस वन, यू कैन राइट दिस एंड दिस, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स, बहुत इजी है ये, 3, 6, 9, 12, ये तो पूरा उसका टेबल है, तो अपन लिख सकते हैं -15/25, -18/30, -21/35, ओके सिंपल सिंपल ना, लिखे यस आई रिटन लाइक दिस, -15/20, -18/25, -21/30 एंड देन 24/35 और लिख द -28/40, यू कैन राइट लाइक दिस, सीरीज बन रहा है, दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सेकेंड क्वेश्चन 1/4 ये इस तरह से किया है, तो यहाँ 1 है 2 है 3, ये हो जाएगा 4/16, ये हो जाएगा 5/20, देन 6/24, 7/28, फिर लिखिए 8/32, 9/36, लिखते जाएंगे, इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसी का ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ ऐसा है, एक तो यहां माइनस ऊपर वाले में है, बाकी सब में नीचे है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। और अभी हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जरा देख लेते हैं क्या किया, ये -1/6 था सबसे पहले, इसको अपन ने क्या किया, -2 से कर दिया, तो ये -2/-12 बन गया। उसके बाद हम लिखते चले जाएंगे, उसके बाद लिखते चले जाओ 3, 4, 5, फिर 6/-36, इसको ये भी लिख सकते हो -7/42, एक ही बात है, -8/48, अगेन दिस क्वेश्चन 2, यहां वापस 2 है, देखो यहां ये ना, यहां देखो ये वापस 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां 1 से मल्टीप्लाइड है, यहां 2 से मल्टीप्लाई है, यहां 3 से मल्टीप्लाइड, तो अब यहां 4 से मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 4, ऐसे भी लिख सकते हो और चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे किया बच्चों, इधर देख लो, -2 इंटू -4 और थ्री इंटू माइनस फोर, तो क्या आ जाएगा 8/-12, ये 10/-15, 12, 14, 16। अभी मेरे साथ आपको ऐसे करोगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, करना क्या है, यू डू द क्वेश्चन योर सेल्फ, यू डू द क्वेश्चन योर सेल्फ एंड देन सी हाउ इट हैज बीन डन। हाँ, अदरवाइज आप केवल ऐसा देखेंगे तो नहीं, यू राइट डाउन द क्वेश्चन इन रफ पेपर रफ कॉपी एंड डू इट योर सेल्फ। फोर रेशनल इक्विवेलेंट 2, अगेन मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जैसा इच्छा हो वैसे मल्टीप्लाई करो, -2/7 है, -4/14 होगा, -6/21 होगा कि नहीं होगा, तो इस तरह से हम कर देने का है, -2/7 2 से मल्टीप्लाई किया -4, 3 से मल्टीप्लाई किया -6/21,
फोर से किया, फाइव से किया, सो दीज आर द ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. दूसरा दिया है फाइव अपॉन माइनस थ्री, फाइव अपॉन माइनस थ्री, इसको वापस टू से किया, टेन अपॉन माइनस सिक्स, थ्री से किया, फोर से किया, फाइव से किया, सिक्स, ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. कैसे करना है, अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो लिखना कैसे लिखोगे, फाइव अपॉन माइनस थ्री इंटू टू इंटू टू, यह आएगा टेन अपॉन माइनस सिक्स. फिर लिखोगे आगे फाइव अपॉन माइनस थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, फिर लिखोगे ये आ जाएगा फिफ्टीन अपॉन माइनस, ऐसे करना है. डायरेक्ट भी लिख सकते हो, द राइट मेथड इज दिस टू, यू शुड राइट ऑल दिस. फोर बाय नाइन निकालो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बहुत इजी है. एट बाई एटीन, ट्वेल्व बाई ट्वेंटी सेवन, सिक्सटीन बाई थर्टी सिक्स, मल्टीप्लाइड बाई फोर, मल्टीप्लाई फाइव करोगे तो ट्वेंटी बाई फोर्टी फाइव. ये अपना एक क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर थ्री. ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट. ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दिस बिग पॉसिबिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट टू डू, यहां पर क्या है, फाइव बाई एट है, यहां पर सेवन बाई एट है, यहां पर थ्री बाई फोर है, यहां पर सेवन बाई फोर है. तो सबसे पहला काम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, तो ये बन जाएगा सिक्स बाई एट, ये बन जाएगा फोर्टीन बाई एट. ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, जीरो और वन को बीच में हम क्या करेंगे, एट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ. ठीक है, फिर मार्किंग कर लेंगे. चलो करते हैं, ये कर लिया मैंने, ये तो लाइन खींचा, ये जीरो आ गया, यहां से इसको वन ले लिया, तो जीरो को मैं जीरो बाई एट लिख सकता हूं, वन को एट बाई एट लिख सकता हूं, टू को 16 बाई एट लिख सकता हूँ, ये एट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, माइनस एट बाई एट माइनस वन है, माइनस वन है, माइनस ये टू. अब मुझे क्या लिखना है, 6 बाई एट, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये 6 बाई एट, सेवन बाई एट, देखो 8 बाई एट के पहले आएगा, ये 7 बाई एट, माइनस फाइव बाई एट, ये आ गया माइनस 7 बाई एट. अब माइनस 14, माइनस फोर्टीन बाई एट, तो ये चलते जाओ इधर और यहां आएगा ये, क्या किया, एट पार्ट में डिवाइड कर दिया. वन को क्या लिखा, एट बाई एट, टू को क्या लिखा, सिक्सटीन बाई एट, फिर इजी है. ओके चलो बहुत अच्छा, अब जरा ये क्वेश्चन करके बताओ मुझको, ये पॉइंट दे रखे हैं और इन पॉइंट को हमको बताना है क्या है ये. तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ तो जीरो है, ये वन है, ये टू है, और ये थ्री पार्ट में डिवाइड है. तो अगर वन को हम लिखें थ्री बाई थ्री, तो टू को लिख सकते हैं सिक्स बाई थ्री, थ्री को लिख सकते हैं नाइन बाई थ्री, लिख सकते हैं ना बच्चों. तो बताओ पी क्या आएगा बच्चों, बताओ सेवन बाई थ्री आएगा कि नहीं आएगा, क्यू आएगा एट बाई थ्री आएगा कि नहीं आएगा. हाँ अब आया मजा, इधर बताओ R क्या आएगा, R इज इक्वल टू वाला, ये है माइनस थ्री बाई थ्री, माइनस टू है, ये माइनस सिक्स बाई थ्री, तो R बन जाएगा माइनस का फोर बाई थ्री, S बन जाएगा माइनस का फाइव बाई थ्री. यस, तो हमने सबसे पहले तो एट में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने क्या किया, डिवाइड किया. तो देखो कैसे किया, यहां पर अपन ने मान लिया इसको, दिस इज कॉल्ड टू एंड दिस इज कॉल्ड थ्री, तो ये P और Q का आंसर आ गया. सिमिलरली जब उधर उसको इधर डिवाइड किया इसको लाइन को, यहाँ तो वन है, कहाँ देखो वापस, वापस देखो, यहाँ वन है, यहाँ टू है, तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया, लाइन को मान लिया, ये दिस इज योर माइनस वन. गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, उल्टा करते हैं, सही करते हैं इसको, तो यहाँ लाइन खींच देते हैं, ये दिस इज योर माइनस वन,
this is your minus 2, this is your minus 1 is your 3 by 3, minus 2 is minus 6 by 3, ये दोनों point क्या आ गए, minus 4 by 3, minus 5 by 3. है ना बेटा, ये देख लो, इधर वापस देख लो, इसको मैंने, ये 2 है, ये 1 है. आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया P इज इक्वल टू है 7 बाई 3, Q इज इक्वल टू है 8 बाई 3, और ये आपका जो R है ना बच्चों, R है माइनस 4 बाई 3 और S है माइनस का 5 बाई 3. थ्री में डिवीजन है. Which of the following pair represent the same rational number? ये सारे pair में equivalent fractions बताना है. हाँ, कैसे बताओगे? सबसे पहले इसको एक एक compare करते हैं. 7 और 21 है. 7 और 21 में 3 और 7 का तो कोई multiplication होता ही नहीं है. तो ये तो नहीं है. ये 16 और 20 है, ये 20 अपॉन 45 दिख रहा है, ये तो बन जाएगा माइनस 4 बाई 5 और ये भी बन जाएगा 4 अपॉन माइनस 5, दोनों सेम है, ये भी सेम है क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा. ये इसको जरा हम काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो यस, ये भी हो जाएगा माइनस 3 बाई 5, ये भी है और ये ये भी है. 5 3 से काटेंगे तो माइनस 8 बाई 5 आ रहा है और ये नहीं है. करके देखो. पहला देश 9, सेकंड वन इसको सॉल्व किया, दोनों सेम आ गया यस. थर्ड वन दोनों, ये सेकंड वाला सेम आ गया. थर्ड वन ये माइनस टू है, माइनस टू अपॉन माइनस 3 को जो है अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 अपॉन 3 लिख सकते हैं, सब बताया हुआ है सेशन नंबर 1 में. नंबर इसमें आ जाओ फोर्थ में, माइनस 3 अपॉन 5 इसको भी काटेंगे तो दोनों सेम आ रहा है. 5 देखो ये भी सेम आ रहा है. 6 देखो ये नहीं आ रहा है. 1 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 9 एक नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. और ये 7th वाला है कि नहीं कौन बताएगा? ये बन गया एक्चुअली प्लस का, तो ये बन गया 5 बाई 9 और ये माइनस 5 बाई 9, तो दोनों सेम नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इनको जरा छोटा करना है, काटना है. ये बन जाएगा 4 बाई 3 माइनस का 4 बाई 3, ये बन जाएगा 5 बाई 9, ये बन जाएगा 4 बाई 5 माइनस का. करें, चलो आ जाओ. पहला 8 बाई 6 को काटिए, माइनस 4 बाई 3 आया, इसको भी काटिए, 5 बाई 9 आ गया. 44 और 72 काटते जाइए, 22 ये 36 11, ये आंसर इज माइनस 11 अपॉन 18 और ये वाला भी काट दीजिए, यू विल गेट दिस आंसर. सो लेकिन मैं जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं ये इट्स ओनली फॉर टू वेरीफाई वेदर यू हैव डन राइट और रॉन्ग. सो व्हाट आई हैव सेड टू यू अर्लियर, you have to do all the questions yourself and then you check the run the video and you check whether you have done right or wrong. Otherwise aapko lagega kya hai, maza nahi aayega. Fill in the box with short than, greater than and equal to. Yahan bataiye sabse pehle ye positive hai ya negative hai, to positive hamesha bada hota hai, isko abhi check karna padega. ये दोनों सेम है, जीरो हमेशा बड़ा होता है. अब अपने को इनको सबको चेक करना है तो आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 पे.
ये तो बहुत क्लियर है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है। अब ये दोनों नेगेटिव है, इन दोनों का अपने को डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम कर दिया, ये -28/35 है, ये -25। बताइए -25 बड़ा है कि -28 बड़ा है? -25 बड़ा है। अगर 20 पॉजिटिव होता तो 28 बड़ा होता। ओके, गलती मत करना। -7/8 और ये 14/60, इसको भी आप काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 7/-8, तो -7/8 इज इक्वल टू है 7/-8, सेम है ये, बताया हुआ है अपन ने, लिखना चाहो तो लिखना, -7/8 × -1 और −1 इज इक्वल टू 7/-8, सो बोथ आर सेम। दिस वन, ये क्या चीज आ गई, एट बाई फाइव और 7/4 सेम है क्या? अच्छा, हाँ ग्रेटर देन, तो यहां पर क्या करेंगे, 20-20 बना दिया, ये 32 है, ये 35 है, इसलिए ये ग्रेटर देन है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये 1/3 है, ये 1/4 है, अपन ने इसको नीचे दोनों को 12 बना दिया, माइनस को ऊपर ले लिया, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 ग्रेटर है। कर लिया क्वेश्चन? यू फाइंड आउट द आंसर और नॉट? फिफ्थ में -1/3 बड़ा है, ये बड़ा है, ये इक्वल टू है, और इन दोनों का क्या आंसर है, सेकंड का क्या आंसर आया था, सेकंड में 28 ये वाला बड़ा था, -4/5 बड़ा था, तो ये -4/5 बड़ा था, और इसमें फोर्थ में कौन बड़ा था, फोर्थ में 8/5 बड़ा था, तो यहाँ 8/5 को आप बढ़ा लेंगे, लेकिन आपको इसको सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, अगेन अगेन डिनोमिनेटर को सेम करिए, न्यूमिनेटर को कंपेयर कर लीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ग्रेटर, यहां अपन ने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया, 6 बना दिया, ये बन गया 4/6, ये बन गया 15/6, कौन बड़ा है, 15/6। सेकंड, -5/6 और ये 3, तो ये तो 6 है, इसको 3 को 6 बना दीजिए, तो ये बन गया -5/6 है, ये 8/6 है, तो -5 बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर। इसको करिए 4 × 3 = 12 बना दीजिए, तो 12 कर दीजिए, ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, तो ये बन गया -9, ये माइनस का है, तो दिस वन इज बिगर। फोर्थ सेम, -1/4 माइनस, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। फिफ्थ क्वेश्चन, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर कन्वर्ट कीजिए, 7 × 3 = 21 + 2 = 20 ये हो गया, दिस नाउ -19/5, 7 × 5 = 35 बनाइए, 35 बना दिया, तो ये आ गया -115, ये -113, 1333। हाँ, दोनों में बड़ा कौन है, -115 बड़ा है, यस, सो दिस इज ग्रेटर। सारे क्वेश्चन करिए, बिल्कुल भी टायर्ड होने की जरूरत नहीं है, डू इट, यू विल गेट कॉन्फिडेंस एंड यू विल गेट वेरी हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। लास्ट क्वेश्चन, एसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, वही ग्रेटर देन शोर देन करो, तो सबसे पहले एक तुम्हें तो डिनोमिनेटर सेम है, हाँ बच्चों, इसको तो अपन कर लेंगे विदाउट कैलकुलेशन,
तो मुझे कौन बताएगा? सबसे छोटा, एसेंडिंग लिखना है बेटा, एसेंडिंग, तो स्मॉलेस्ट लिखना है. तो विच वन इज द स्मॉलेस्ट? माइनस 3/5 इज द स्मॉलेस्ट, देन माइनस 2/5, देन माइनस 1/5. ये तो समझ में आ रहा है, माइनस 3 इज स्मॉलर देन माइनस 2. ओके, नाउ वी डू दिस टू क्वेश्चंस वेयर वी आर वे विल मेक द डिनोमिनेटर सेम. सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ 9 है या 3 है, इसको जब को 9 कर देते हैं तो ये बन गया माइनस 3/9, ये माइनस 2/9 और ये माइनस 12/9. सबसे छोटा माइनस 12/9, फिर ये, फिर ये. तो माइनस 12/9 किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसको इसको करता है. तो दिस इज योर आंसर. एंड लास्ट क्वेश्चन, ये करना है. मैंने इसमें डायरेक्ट आंसर लिखा है बट यू हैव टू डू इट. एंड व्हाट इज द एलसीएम? फर्स्ट ऑफ ऑल 7 है, 2 है, 4 है. क्या लाना है एलसीएम? एलसीएम आना चाहिए 28. आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सो वी कैन डू इट हियर ओनली इफ यू वांट. ये बन जाएगा 28, बनाना है तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12/28. इसको बनाना 14 से करेंगे तो 14 × 3, 14 × 3 कितना होता है? 42. तो 42/28 ये हो जाएगा 4 × 28, 7 टाइम्स है ना बेटा, 6, 7 × 4 = 28. तो ये 7 × 21/28. तो स्मॉलर वन इज दिस, तो स्मॉलर आ गया ये, बिल्कुल सही है. उससे बड़ा ये वाला है तो ये बिल्कुल सही है 21, और सबसे बड़ा माइनस 12 वाला तो ये बिल्कुल सही है. दिस इज योर आंसर. चलें आगे, अब बड़ा मजा आएगा आपको. अब ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर सीखना है. उसमें क्या क्या ऑपरेशंस में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सबसे पहले पढ़ना है एडिशन. अब एडिशन में जब जो है डिनोमिनेटर सेम होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस फटाक से ऐड कर दीजिए. ये डिनोमिनेटर सेम है, नीचे 3 रखा, ऊपर 7 - 5 आया, आंसर इज 2/3. डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट 2/3. यू कैन डू इट बाय नंबर लाइन, बट स्टिल विदाउट नंबर लाइन यू कैन ऑल्सो डू 2/3. इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट दिस तो क्या आएगा? नीचे 5 है, 6 - 2 है, आंसर आ जाएगा 4/5. इसको निकालिए, ये 7 है, 3 - 5 = -2/7. वेरी इजी, इसको निकालिए. 8 है, -7 + 5 = -2/8. दिस इज योर आंसर, -2/8. हु विल फाइंड आउट दिस वन? 7 - 13/6 + 6, ऊपर भी -7 आ गया तो ये आ जाएगा माइनस का 7/7 = यहाँ आंसर क्या आएगा इसका? सब करिए -1, करो इसको, डू इट. आई विल डू इट हियर. -13 + 6/7 = -7/7 = -1. ये -1. इसको भी कर लीजिए, नीचे 5 आ रहा है, 19 - 7 = 12/5 आंसर. ये देखो बहुत इजीली किया हुआ है, -4/5 आ रहा है. तो क्या करना है? व्हाइल एडिंग रेशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर, वी ऐड द नोमिनेटर कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम. Now we have different denominators and then we have to add.
different denominators and then we have to add. So for that हमको लेना है LCM. 5 and 3 LCM 15. देखो इसको जब करेंगे तो क्या करेंगे, 5 3 जा 15, तो यहां करेंगे 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लगा देंगे, फिर 3 5 जा 15, तो माइनस 2 इंटू 5 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 21 माइनस का 10 अपॉन 15 क्या आ जाएगा, माइनस का 31 अपॉन 15. आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ठीक है. अब अपने को कुछ बाकी चीजें पढ़नी है, एडिटिव इनवर्स पढ़ेंगे, कुछ ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम कुछ इनवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, एडिटिव इनवर्स पढ़ना ही है, देन वी डू विल डू सम एग्जांपल्स, सब्ट्रैक्शन, सारी चीजें अपने को पढ़नी है, देन वी विल डू द एक्सरसाइज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन टू. तो ये सारा का सारा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लास्ट सेशन में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एंड देन वी विल डू एक्सरसाइज 9.2. हाँ बच्चों, तो आपको वापस मैं मौका दे रहा हूं, पहले सारी एक्सरसाइज 9.1 को ढंग से कर लेना, फेयर कॉपी में कर लेना, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करना, मल्टीप्लीकेशन के करना, यू ट्राई योर सेल्फ एंड देन यू वॉच द वीडियो अगेन, द थर्ड वन, नेक्स्ट वन, इन दैट यू विल लर्न ऑल दिस थिंग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एंड वी विल डू एक्सरसाइज 9.2. ठीक है, तो रेशनल नंबर में कोई भी हमारा क्वेश्चन है जो फ्रैक्शंस के लिए, ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज वी कैन डू इन फ्रैक्शंस, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, मास्टरी होनी चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली मालूम है आपको, इन योर हायर क्लासेस यू विल नीड एवरीथिंग वाइल डूइंग कैलकुलेशंस. सो यू दिस टाइप इफ यू डू एक्सरसाइज एंड इफ यू डू प्रैक्टिस एट दिस क्लास, इन दिस क्लास यू विल बी always winner at the higher level. Okay, so we will meet again in next session.